गाइस, ये वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है चैनल का एंड रिसेंट कुछ दिनों का। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे नाइट्रो 5 में क्या गेमिंग में आपको क्या एक्सपीरियंस देखने को मिल रहे हैं रैम अपग्रेड के बाद। वेल, आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास एसर का नाइट्रो 5 है 3050 वाला, जो मैंने रिसेंटली परचेस किया था एंड i5 वाला वर्जन है। ये पूरा मॉडल नंबर अगर मैं कर दूँगा यहाँ पर, तो उसमें मैंने हाल फिलहाल में रैम अपग्रेड की। रैम अपग्रेड ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना चुका, अनबॉक्सिंग ऊपर बना चुका, देखा नहीं तो देख लेना। एंड उसमें रैम अपग्रेड के बाद क्या परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हुआ है गेमिंग को लेके, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। गेमिंग बेंचमार्क देखना तो पिछले रैम अपग्रेड की वीडियो में बता चुका हूँ। वेल, इस लैपटॉप से रिलेटेड और भी वीडियोस आते रहेंगे। मैं क्या गेमिंग सेटिंग यूज करता हूँ, मैंने अपने विंडोज को किस तरह से ऑप्टिमाइज वे में रखा है, क्या मैं ओवरक्लॉक करता हूँ, इस सब कुछ मैं आगे फ्यूचर में वीडियोस बनाऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को फ्यूचर अपडेट्स के लिए। एंड एनीवे, मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज 11 एंड इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो ऐसा का नाइट्रो का जो कूलर है उसको मैंने मैक्स पे रखा था एंड कूल बूस्ट मोड मैंने इसका ऑन करके रखा था। इसके ऊपर मैंने सारे गेम्स खेले एंड मैंने पूरे दिन में करीब लाइक आज 5-1 घंटे के आसपास गेम खेला। हाँ, बीच में 10 मिनट का 15 मिनट का ऐसा कुछ बीच में ब्रेक लिया था 1 घंटे का, कुछ टेस्टिंग के दौरान एंड पूरे ओवरऑल टेस्टिंग के दौरान कंटिन्यूस टेस्टिंग है। एंड इसके दौरान मुझे जो रिजल्ट देखने को मिले वो ऑसम है, माइंड ब्लोइंग है। एंड मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि आप स्ट्रीमिंग कर पाओगे कि नहीं, हाँ जरूर आप स्ट्रीमिंग कर पाओगे, लेकिन आपको 16GB रैम मस्ट है, 16GB रैम आपको करना होगी। तो 16GB रैम के बाद किसी भी गेम को आप मिड हाई सेटिंग्स पे आप स्ट्रीमिंग कर सकते हो। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, इग्नोर करना। लो हाई मिड सेटिंग्स पे किसी भी गेम को आप स्ट्रीम कर सकते हो अगर आप 16GB पे अपग्रेड करते हो तो, सभी गेम्स को तो आप खेल सकते हो। रही बात कि लाइक एकदम फुल HD ग्राफिक्स में खेलते हो तो थोड़ा FPS कम देखने को मिल जाता है एंड मिड टू हाई के बीच में खेलते हो तो FPS अच्छे देखने को मिल जाएंगे। एंड पीछे की जो भी सिस्टम है, सारे एप्लीकेशन सभी चीज़ों को क्लोज करके खेलना एंड एट ए टाइम एक ही गेम खेलना एंड पीछे कोई एप्लीकेशन रन नहीं होनी चाहिए एंड आपका लैपटॉप चार्ज होना चाहिए। तो चालू करते इस पूरे वीडियो को एंड देखते हैं हमको कैसे क्या FPS वगैरह देखने को मिलता है। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जो पहला गेम हमने ट्राई किया है वो है GTA 5 एंड GTA 5 को हमने वेरी हाई सेटिंग पे खेला जो कि डिफॉल्ट सेटिंग होती है। एंड DLS वगैरह मुझे जिस भी गेम में जहाँ यहाँ पे ऑन करने को मिला कि जहाँ पे भी मैं DLS NVIDIA रिफ्लेक्स को ऑन कर सकता था, मैंने वहाँ पे ऑन करके ट्राई किया। वेल, वेरी हाई सेटिंग पे डिफॉल्ट सेटिंग के साथ मुझे इस गेम में 60-70 FPS के आसपास देखने को मिल रही है। बाकी रेम यूजर्स CPU टेम्परेचर वगैरह बाकी चीज़ें आप पे देख सकते हो। वेल, ये पूरी तरह से प्लेएबल था एंड इसके बाद मैंने इसे वेरी नॉर्मल पे किया तो मेरे FPS कुछ बढ़ गए थे। तो FPS मुझे बढ़ के मुझे 70-80-95 के आसपास तक FPS मुझे देखने को मिल रहे थे। ये इसमें मैंने रिजोल्यूशन नहीं कम किया है, सभी गेम्स को मैंने 1080p के साथ खेला। वेल, मैं रिजोल्यूशन को थोड़ा कम करता तो मैं और अच्छे FPS को अचीव कर सकता था। इवन अगर आप रिजोल्यूशन को कम नहीं करते हो किसी भी गेम्स को खेलते हो, थोड़े ग्राफिक को और लो करके तो आप साथ में पैरेलली स्ट्रीमिंग वगैरह भी कर सकते हो तो कोई दिक्कत आपको कभी भी नहीं आने वाली। नेक्स्ट गेम हमने ट्राई किया COD मॉडर्न वॉरफेयर को आप हाई कह लो या फिर मैं जो अल्ट्रा लिखा हुआ था हाई अल्ट्रा सेटिंग के साथ ट्राई किया जिसमें DLSS ऑन रखा, ये ऑन प्लस बूस्टेड जो भी आता है एकदम टॉप नॉच वाला वो सेटिंग के साथ ट्राई किया एंड इसमें मुझे 80 FPS इजिली देखने को मिल रहा है। एंड आप मेरे 8GB रैम के साथ मुझे क्या FPS वगैरह देखने को मिल रहे थे तो उसके लिए आप मेरा प्रीवियस वाला वीडियो को रेफर कर सकते हो। फॉर टाइमिंग आप देख सकते हो मुझे FPS 80-90 देखने को मिल रहा है जो कि पहले से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है एंड बिना कोई लैग वगैरह के मुझे सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो रैम अपग्रेड के बाद में जो लैग वाला हल्का सा इशू था वो भी मुझे फिक्स देखने को मिला, नए FPS भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट गेम हमने ट्राई किया एपेक्स लेजेंड को भी मैंने हाई सेटिंग से ट्राई किया, NVIDIA रिफ्लेक्स इसका ऑन था, ऑन प्लस बूस्टर जो लिखा था वो था। एंड इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे जो FPS देखने को मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू मेरा 8GB रैम काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। मुझे 8GB रैम में कहीं 40 के आसपास FPS देखने को मिल रहा था, काइंड ऑफ लैग भी था। तो एपेक्स लेजेंड को हाई सेटिंग के साथ मैं आराम से 70-80 FPS अचीव कर पा रहा था। इवन अगर ये रूम वगैरह में जो लोग गेम के अंदर किसी रूम वगैरह पे था तो वहाँ पे FPS मुझे 100 के आसपास देखने को मिलता, ओपन वर्ल्ड सिनेरियो में मुझे 80-90 FPS देखने को मिल रहा था जो कि काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस मुझे एपेक्स लेजेंड में देखने को मिली। मीडियम ग्राफिक्स पे मुझे 90-100 FPS मुझे सराउंडिंग मतलब मैप में जब मैं बाहर घूम रहा था तब भी मुझे देखने को मिल रहा था। तो FPS काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है आपके रैम अपग्रेड से, इस बात को नोट कर लो गाइस। रैम अपग्रेड की वीडियो की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, देख लेना।
नेक्स्ट गेम हमने ट्राई किया पबजी, पबजी पीसी। इसे हमने हाई सेटिंग्स के साथ खेला, हाई सेटिंग्स के साथ ये 70-80 FPS मुझे दे रहा था। आई मीन FPS कभी कभी थोड़े ड्रॉप देखने को मिलते, लाइक 60 के आसपास ही कभी कभी पहुंच जा रहा था, बट इट्स फाइन, ये बिल्कुल प्लेबल था एकदम हाई सेटिंग के साथ। एकदम आप देख सकते हो मैंने सेटिंग्स में इस वक्त कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्वालिटी में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। टॉप नॉच जो भी आपके पीसी में देखने को मिलता उसके साथ मैंने ट्राई किया। मीडियम में मुझे 90 के अराउंड FPS मुझे आराम से देखने को मिल गया, जो कि प्लेएबल था। इन मीडियम मतलब ऐसा नहीं कि आपकी ग्राफिक बिल्कुल लूज कर दिया आपने, बिल्कुल नहीं। मुझे भी एकदम ग्राफिक खोके खेलना बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे भी थोड़ा ग्राफिक्स तो चाहिए। तो जो भी आपके CPU के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहता है गेम्स, उसमें तो आप आराम से खेल सकते हो, लाइक जो कि आपका CSGO हो गया, Valorant हो गया। एंड जो भी आपकी ग्राफिक डिपेंडेंसीज वाले गेम्स जो ज्यादा रहते हैं, तो वो भी आप इजीली खेल सकते हो रैम अपग्रेड के बाद। दोनों पे भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट गेम हमने Valorant ट्राई किया। एंड Valorant में तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लाइक मुझे इतने अच्छे FPS देखने मिल रहे। 144 FPS पे ये लॉक हो चुका था। आई डोंट नो इससे ऊपर भी बढ़ सकता है FPS। मैंने इसमें पूरा हाई सेटिंग खेला, लो सेटिंग मैंने ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि इसमें हाई सेटिंग में आपको इतने ज्यादा FPS देखने को मिल रहे हैं। एनी वो 144 के ऊपर लॉक हो गया, ये मे भी बढ़ सकता है कुछ सेटिंग को ट्विक करके। तो Valorant से कोई मुझे दिक्कत नहीं, कोई ग्लिच नहीं, बढ़िया देखने को मिल रहा है, स्ट्रीमिंग भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट गेम हमने ट्राई किया CSGO। और इन CSGO में सबसे पहले मैं अपनी खुद की कस्टम सेटिंग्स को एक बार बता देता हूँ, जो मैं जनरली यूज करता हूँ स्ट्रीमिंग के दौरान। तो आप स्ट्रीमिंग के दौरान देख सकते हो मैं कुछ चीज़ों को लो, कुछ चीज़ों को हाई, कुछ चीज़ों को मिड पे सेट करता हूँ एंड फिर जाके स्ट्रीमिंग करता हूँ। एंड बिल्कुल आप लोगों को डाउट होगा, आप 8GB रैम में इनमें से कोई सा भी गेम आप स्ट्रीम नहीं कर सकते हो, कर तो सकते हो, बहुत लेग होगा, बहुत FPS ड्रॉप देखने को मिलेंगे। कोई सा भी गेम आप 8GB रैम के साथ नहीं कर सकते, आपको 16GB रैम लो एंड स्ट्रीमिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी गेम को आप स्ट्रीम कर पाओगे, सभी गेम को आप पूरे अराउंड 60 FPS तो मिनिमम खेल पाओगे हाई ग्राफिक पे। एंड लो ग्राफिक पे भी आप जाते हो तो 100 के आसपास, आप IT के आसपास FPS को अचीव कर पाओगे। CSGO में आप देख सकते हो मेरी स्ट्रीमिंग सेटिंग ये रहती है। मेरे दूसरे चैनल पे मैंने कुछ स्ट्रीमिंग के वीडियोस भी डाले हैं, तो उसे भी जाके आप देख सकते हो। कुछ कुछ गेम्स में जनरली जाकर वहाँ पे खेलता रहता हूँ टाइम पास के लिए, स्ट्रीमर नहीं हूँ मैं बट खेलता रहता हूँ, तो वहाँ पे आपको अंदाजा लग जाएगा किस टाइप के FPS मुझे देखने को मिलते हैं। बाकी CSGO में ये कुछ स्ट्रीमिंग सेटिंग थी, उसके बाद मुझे 200 के आसपास FPS देखने को मिल रहा है बॉटम राइट कॉर्नर में। CSGO में वो FPS जो रहता है MSI Afterburner का, वो नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड पे बॉटम में FPS देख लो। CSGO को मैंने हाई मिड सेटिंग, हाई टू मिड लो में भी जमा के देखा, तो मुझे कुछ इस टाइप के FPS देखने को मिल रहे थे। इवन मैं CSGO को हाई सेटिंग्स पे भी खेलता हूँ, तो मुझे CSGO में 60-80 FPS आराम से देखने को मिलते हैं। एंड CSGO भी एक आपका CPU डिपेंडेंट गेम है, ज्यादा इसमें ज्यादा ग्राफिक की जरूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल हाँ काफी अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है, इवन हाई सेटिंग में भी, मिड सेटिंग में भी। एंड सॉरी गाइज, अनफॉर्चुनेटली CSGO को जो मैंने हाई सेटिंग डिफॉल्ट के साथ रिकॉर्ड किया था वो खो गया है, उसमें मुझे 100 के आसपास FPS आ रहा था। व्हाट अबाउट अदर गेम्स? कोई कोई आके बोलेगा आपने रेड रेड रिडेम्पशन नहीं खेला, टॉम रेडर नहीं खेला। वेल, सभी गेम को मैं यहाँ पे ट्राई नहीं कर सकता, गरीब इंसान हूँ। क्रैक वाले खेलने में मैं बिलीव नहीं रखता, क्योंकि उसमें FPS वगैरह में भी लोचा लफारा हो जाता है, कम आते हैं। एंड जो पेड रहता है उतने खरीदने की वजह से नहीं, बट बिलीव मी गाइस, उसमें भी आपको अच्छा FPS देखने को जरूर मिल जाएगा। GTA 5 मैंने एक बार क्रैक ट्राई किया था लाइफ में, उसमें मुझे 30-40 FPS मिलता था, वही मैंने उसे पेड वाला खरीदा स्टीम से, तो मुझे 70-80 FPS देखने को मिलता था, तो मैं क्रैक वाले पे बिलीव नहीं रखता। तो अगर सब्सक्राइब करवा दो चैनल को, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, तो फिर अगली बार से मैं पेड गेम्स आपके लिए खरीद पाऊंगा एंड उसके ऊपर भी रिव्यू बनाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा आगे भी आपको नए नए गेम्स के ऊपर रिव्यूज बनाकर देता रहूं। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस लैपटॉप से रिलेटेड एंड बाकी टेक वीडियोस के लिए चैनल को नोटिफिकेशन बेल दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।